जिनेन्द्र मस्मर मनस्म
34वें काल में कवि धनंजय भगवान की स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि आप अशब्दम, आप शब्द से रहित हैं, अस्पर्शम, आप स्पर्श से भी रहित हैं, अरूपम, यहां पर सिद्ध परमेष्टि के दृष्टि से अपन देखें क्योंकि लक्ष्य तो सिद्ध परमेष्टि रंग की बात में सिद्ध बनने वाले हैं, तो उनके स्वरूप की ओर दृष्टि डाल करके आत्मा की ओर दृष्टि डालने पर आप शब्द से अतीत हैं, स्पर्श से अतीत हैं, रूप से भी अतीत हैं, गंध से भी रहित हैं और रस से भी रहित हैं, लेकिन तद विषयाव बोधम, लेकिन आप इन सभी विषयों के ज्ञाता हैं। इन सबसे रहित होने के बाद में, क्योंकि ये पुद्गल के गुणधर्म है, स्पर्श रस गंध वर्ण वंत पुद्गला, तो ये और पुद्गल की ही पर्याय शब्द होती है, पुद्गलों के घर्षण से ही शब्द की उत्पत्ति होती है, तो ये सब पुद्गलों के ही गुणधर्म है, इसलिए ये आपका स्वरूप नहीं है, लेकिन आप इन सब विषयों के ज्ञाता हैं। तद विषयाव बोधम सर्वस्य मातारम, आप सबको जानते हैं। माता शब्द, प्रमाता शब्द ज्ञाता के लिए भी आता है, इसीलिए आचार्य समंतभद्र स्वामी ने सुपार्श्वनाथ भगवान की स्तुति में लिखा है, सर्वस्य तत्पस्य भवान प्रमाता, मातेव बालस्य हितानुशास्ता, गुणाव लोकस्य जनस्य नेता, मया विभक्त्या परिणोय क्षेत्र। तो प्रमाता शब्द जो माता के ऊपर प्रावसर लगा है, जैसे माताराम शब्द में भी जो सबके ज्ञाता है, अन्य अमेयम, लेकिन आप अन्य के द्वारा नहीं जाने जाते, छद्मस्थ के ज्ञान का विषय नहीं बनते। अस्मार्यम, आपका स्मरण करना भी संभव नहीं, जब जिनके बारे में ज्ञान नहीं तो उनका स्मरण कैसे कर सकते, फिर भी हे जिनेन्द्रम अनुस्मरामी, हे जिनेन्द्र भगवान, मैं आपका बार बार स्मरण करता हूँ, क्योंकि अपन ने पहले काव्य में पढ़ा था उसमें कि मैं आपकी भक्ति भी करता हूँ, स्तुति भी करता हूँ, प्रणाम भी करता हूँ, तो नमन पहले काव्य में आ गया था, इसमें स्मरण संबंधी यहाँ पर वाक्य कवि धनंजय कह रहे हैं। तो ऐसे भगवान का यहाँ पर जो स्वरूप है, एक गाथा जो आचार्य कुंदकुंद महाराज की बड़ी प्रिय गाथा है और जो लगभग उनके सभी ग्रंथों में पाई जाती है, चाहे वो प्रवचन सार हो, चाहे वो समय सार हो, चाहे नियम सार हो, चाहे पंचास्तिकाएं हो, चाहे अष्टपा हो, पांचों ग्रंथों में वो गाथा पाई जाती है। वो गाथा आप लोगों को भी विदित होगी, अरस मरुवं गंधम अपत्तं छेदना गुणमसत्तं जान अलिक गहनं जीव मणि दिठ संठानं। तो ये आत्मा का स्वरूप रस से, गंध से, रूप से और अव्यक्त है, छेदना गुण से और शब्दों से रहित है, जो किसी लिंग के माध्यम से, चिन्ह के माध्यम से ग्रहण नहीं किया जा सकता, ऐसा जीव अनिर्दिष्ट संस्थान वाला है, कोई निर्दिष्ट उसका संस्थान नहीं है, जैसा शरीर धारण करता है वैसे रूप में ढल जाता है। तो यहाँ भगवान के कि भगवान सबको जानते हैं लेकिन इन सबसे रहित हैं। हमारा उपयोग इन पांचों विषयों पर आकर्षित होकर के, जब घर में रहते हैं बाजों की ध्वनि सुनाई देती है तो लोग बाहर की ओर की क्या निकल रहा है, कौन सा जुलूस निकल रहा है, दौड़े दौड़े चले जाते हैं। कोई खिलौना हो, कोई वस्त्र हो तो उसको छूने की इच्छा होती, देखें छू करके कि कैसा है। गंध आती है तो उसके माध्यम से भी, यदि परिचित गंध होती है तो उसकी भी खाने की इच्छा मन में हो जाती है। रस
चखने की इच्छा हो जाती है, रूप देखने की इच्छा हो जाती है, ऐसे बार बार हम बाहर की ओर आकर्षित होते हैं। एक व्यक्ति की दो पत्नियां थी, पहले बहु पत्नी प्रथा भी रहती थी। तो एक दिन भोजन जो है अपनी बड़ी पत्नी क्या करता था, एक दिन छोटी पत्नी क्या करता था, ऐसा जो है उसका बटा हुआ था। तो एक दिन वो जो है भूल करके बड़ी पत्नी ऊपर रहती थी, छोटी नीचे रहती थी। तो छोटी पत्नी के यहाँ पर उसने भोजन किया, फिर बड़ी पत्नी का किया, और उसके बाद में छोटी का नंबर था, लेकिन वो सीढ़ी से जो है ऊपर चढ़ गया। अब वो सीढ़ी से ऊपर चढ़ गया तो नीचे छोटी पत्नी कहती, आज तो हमारा नंबर है, आज तो आपको हमारे यहाँ भोजन करना है, आप ऊपर कहाँ जा रहे हो। तो वो ऊपर जा रहा था, तो ऊपर की जो पत्नी थी बड़ी पत्नी की, उसने भी सुन लिया कि वो ऊपर की ओर आ रहे हैं, तो वो भी बाहर निकल के आ गई। और उसने वहां पर इतनी दूर पहुंच गए थे कि उनका हाथ पकड़ लिया। अब यहाँ नीचे जो पत्नी थी, वो छोटी पत्नी, उनका पैर पकड़ लिया। अब दोनों खींच रही है। यहां पर ऐसे ही पांचों इंद्रियों के विषय अपने उपयोग के लिए बाहर खींचने का प्रयास करते हैं, और पांचों इंद्रियों के विषयों में ही पूरा जीवन जो है निकल जाता है। व्यक्ति अपने बारे में सोचने के लिए समय ही नहीं निकाल पाता। जैसे पहले भी एक बार कहा था कि जैसे किसी के टेबल के ऊपर पांच फोन रखे हुए हैं, एक की घंटी जो है बजती है, वो उस पर बात करता है, जब तक वो पूर्ण नहीं हो पाती तब तक दूसरी घंटी बज जाती है, फिर दूसरी रुकती नहीं है, तीसरी बजने लगती है। ऐसी करके जो पांचों इंद्रियों के, जैसे बताया था बाहर के पांचे, ऐसे ही रहे घंटियां बजती रहती हैं और बार 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 यही कार्य चलता रहता है। तो हम अपने जो छद्मस्थ है वो इन इंद्रियों के माध्यम से जानते हैं, लेकिन भगवान अतीन्द्रिय ज्ञान के धारी होते हैं। वो अपनी आत्मा से ही इन सभी पदार्थों को जानने में समर्थ रहते हैं। अपने लिए तो स्पर्श इंद्री को छू करके ही जान सकते हैं। रिद्धिधारी मुनिराज बहुत दूर से भी कि इसमें ठंडा स्पर्श है कि गर्म स्पर्श है, हल्का है कि भारी है, चिकना है कि कड़ा है, ऐसे जो है वह दूर से जान सकते हैं, लेकिन अपने लिए छू करके ही जान सकते हैं, छू करके ही चख सकते हैं। गंध भी जब तक अपनी नासिका में प्रवेश नहीं करे तब तक नहीं पहचान सकते। कई लोगों की तो इतनी कम होती है कि घर में आग लग जाती है, उनको पता ही नहीं पड़ता। फिर कई लोगों को आंखें जरूर दूर का ही जानती है, पास का नहीं जानती, और कान जो है सुन करके जानते। तो हमारे लिए पांचों इंद्रियों की आवश्यकता पड़ती है। भगवान अपनी आत्मा से जानते हैं सीधा, हम लोगों को ये इंद्रिय रूपी चश्मे लगे हुए, इन चश्मों के माध्यम से हम जानते हैं। यदि चश्मा उतर जाए तो हमने इंद्रियां काम करना बंद कर दे, चश्मा खराब हो जाए तो अपन नहीं जान पाते। तो जब कोई की आंखें ठीक हो जाती हैं, चश्मा उतर जाता है, तो ऐसे ही जिन्होंने अपने स्वस्थता को प्राप्त कर लिया, जिनके इंद्रिय रूपी चश्मे उतर गए, तो उनके लिए अपनी आत्मा से ही सीधा ज्ञान हो जाता है। लेकिन हम लोगों के लिए छद्मस्थ अवस्था में इस प्रकार से ही ज्ञान होता है। तो ये पांचों इंद्रियों के विषयों के माध्यम से हम पदार्थ को जानने का प्रयास करते हैं, लेकिन उसी में यदि उलझे रहे तो अपने आत्म तत्व को प्राप्त नहीं कर सकते, और उसी के माध्यम से वहां पर राग द्वेष की परिणति भी चलती रहती है। क्योंकि जब कोई भी पदार्थ संपर्क में आता है तो वो अच्छा या बुरा, ये जो है हम वहां पर वोट डालते रहते हैं। सामयिक के समय में
सर्वश्रेष्ठ रिश्ता होता है गेय ज्ञायक संबंध का। जैसे कोई लंबी दूरी पर जा रहा है और बोझ लेकर के जा रहा है तो थक जाता है, तो थोड़ी देर उसको उतार करके रख करके और थोड़ी सी चैन की सांस लेता है। ऐसे ही दिन भर घर के कार्यों में कर्तृत्व बुद्धि का बोझ लाद करके कि ये करना है वो करना है, ये कर लिया वो कर लिया, ऐसे भावों के जो कर्तृत्व बुद्धि का बोझ है वो सामय के समय उतार करके और उस समय में गेय ज्ञायक संबंध बनाने का प्रयास करना चाहिए। गेय ज्ञायक संबंध कैसा होता है कि जिसमें राग द्वेष ना हो। पदार्थों को जानने का स्वभाव तो आत्मा का है लेकिन उसमें राग द्वेष ना हो वो सर्वश्रेष्ठ रिश्ता कहलाता है। तो गेय कभी भी अपनी मर्यादाओं को नहीं छोड़ता है, लेकिन ज्ञाता जो ज्ञान है वो यदि राग द्वेष करता है तो वो अपनी मर्यादाओं को छोड़ देता है और उसी के कारण में बंद होता है। केवली अरहंत सिद्ध वहां पर गेय ज्ञाता संबंध से युक्त होते हैं। जिस समय केवली राम के गंध कुटी में सीता जब प्रतिनिधि के रूप में उनके पास में पहुंचता है और प्रश्न करता है कि अभी लक्ष्मण की क्या गति है, तो उस समय में केवली उनकी अधोगति जब बताते हैं तो उस समय में प्रतिनिधि के लिए तो दुख होता है लेकिन केवली के लिए कोई दुख नहीं होता, क्योंकि राग देश की परिणति मोह का उन्होंने अभाव कर दिया है, इसलिए वहां पर वो जानते हुए भी उसके माध्यम से दुखी नहीं होते। तो गेय ज्ञायक संबंध जो है सर्वश्रेष्ठ होता है, लेकिन राग देश करते हैं उसके माध्यम से कर्मों का बंध होता है। एक और उदाहरण कि होली के समय में सारे मित्र घर में बुलाने के लिए आए और उस समय में कह दिया कि बोल दो मित्रों से कि घर में नहीं है। माँ ने कह दिया कि वो तो पहले सुबह से ही कहीं बाहर चला गया। बच्चे लोग कि होली पर हमको चकमा देना चाहता है, सारे लोग छुप करके बैठ गए और वो जैसे ही खिड़की से कहाँ तक निकल गए, चले गए कि नहीं चले गए देखने के लिए, जैसे ही वो बाहर खिड़की में झांकता है और वो रंग का सारा हाथ में लेकर के बैठे हुए थे और उसको ढंग से वहां पर रंग देते हैं। अब वो रोता है तो माँ कहती है कि तुमने क्यों झांका था। बस ऐसे ही उपयोग जब बाहर जाता है और उस समय में राग देश की परिणति के माध्यम से वहां पर कर्मों के द्वारा आत्मा लिप्त हो जाता है, तो जिस समय में सामायिक करते हैं उस समय में गेय ज्ञायक संबंध रहे तो फिर कर्मों के द्वारा वहां पर आत्मा के रंग की छाप उसके ऊपर नहीं पड़ती। भगवान के लिए यहां पर कहा कि सर्वस्य मातारम, भगवान जो है सभी पदार्थों को जानते हैं लेकिन भगवान के स्वरूप को कोई भी जानने में समर्थ नहीं होता क्योंकि छद्मस्त की इतनी सामर्थ्य नहीं है। और इसमें इस बात को भी पहले कहा था कि हम भगवान को स्मरण नहीं कर सकते क्योंकि हम उनके बारे में कुछ जानते नहीं है। यदि हम उनको कुछ जानने लगेंगे तो ही हम उनका स्मरण कर सकते हैं। पहले बताया था कि स्मरण के लिए, ध्यान के लिए ज्ञान की बड़ी आवश्यकता है। उस समय बताया था कि आपके परदादा के बारे में यदि आपको कुछ जानकारी होगी तो आप उनके बारे में कुछ स्मरण कर सकते हैं, यदि आपको जानकारी नहीं है तो उनका स्मरण करना संभव नहीं है। तो यहां पर ऐसे भगवान के लिए जिनका भी स्मरण करना भी संभव नहीं है फिर भी मैं बार बार उनका स्मरण जो कुछ थोड़ा बहुत जानता हूँ उससे उनको जानने के लिए प्रयास करता हूँ, ऐसी यहाँ पर कवि धनंजय भगवान की स्तुति में कह रहे हैं। भगवान को देख करके दर्शन करते करते उनके दर्शन से क्या प्रेरणा मिलती है। एक बार एक जगह
पिकनिक पर कुछ बच्चे गए और जब भोजन का समय हुआ तो सबने अपने अपने टिफिन खोल लिए। एक बच्चा वहां पर बड़ी ललचाई नजरों से सबके टिफिनों की ओर देख रहा था, तो उस समय में एक ने बच्चे ने कहा, क्यों दूसरे की ओर देख रहे हो, अपना टिफिन खोलो और अपना टिफिन खोल करके आनंद लो। ऐसे ही भगवान के दर्शन जब करते हैं तो भगवान भी हमसे यही कहते हैं कि हमारी तरफ क्यों ललचाई नजरों से देखते हो, अपने ज्ञान का टिफिन खोलो जो बंद है, और जैसा पुरुषार्थ हमने किया वैसा ही पुरुषार्थ करके तुम भी अपने केवल ज्ञान रूपी टिफिन को खोल करके और अनंत सुख को अव्यावाद सुख को प्राप्त कर सकते हो। तो यहाँ ऐसे ही कुछ बिंदुओं को लेकर के भगवान का स्मरण के लिए यहाँ पर प्रेरणा दी गई है। वैसे वास्तव में भगवान के स्वरूप के बारे में हम बहुत ही अनभिज्ञ हैं, कुछ भी नहीं जानते, क्योंकि इतने मत मिलते हैं, उनकी यथार्थ धारणा बनाना भी बहुत मुश्किल होती है। लेकिन जो कुछ भी है उसका ही मैं बार बार स्मरण करता हूँ, ऐसे भावों के साथ में इस 34वें काल में स्तुति की है। स्तोत्र निराला सब दुख पारं
पतिंजनानां शरणं व्रजामि अगाध मन्निर्मनसाप्य लंघयन् निष्किञ्चनं प्रार्थमार्थवर्धि विश्वस्य पारं तं द्रष्टुपारं पतिंजनानां शरणं व्रजामि पढ़िए। निष्किंचनं प्रार्थित मर्थ वदुभि निष्किंचनं प्रार्थित मर्थ वदुभि। हाँ, इस काव्य में कवि धनंजय भगवान की स्तुति करते हुए कह रहे हैं अगाधम, यानी भगवान का स्वरूप जो है गंभीर, जिनकी थाएं नहीं ले सकते वो अगाध कहलाता है, और अन्य मनसा पे अलंघ्यम, अन्य के द्वारा, मन के द्वारा उनका उल्लंघना संभव नहीं है, यानी उनका चिंतन करना संभव नहीं, अचिंतनीय स्वरूप है। निष्किंचनम, भगवान के पास में कुछ भी नहीं है, अभ्यंतर और बाह्य परिग्रह से रहित हैं, फिर भी प्रार्थितम अर्थवद भी, उसके बाद में भी जो धन वाले हैं वो भी उनकी प्रार्थना करते हैं, उनसे याचना करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, यानी धनाढ्यों के द्वारा भी याचित। विश्वस्य पारं, उन्होंने विश्व के पार को, यानी उनके केवल ज्ञान के माध्यम से सब कुछ लोक प्रकाशक ज्ञान से युक्त है। तम अदृष्ट पारं, यानी उनके पार को किसी ने नहीं देखा। ऐसे जिनानाम पतिं, जो जिनके पति हैं उनकी मैं शरण को प्राप्त होता हूं, उनकी शरण में जाता हूं। अब अगाध, यहां जब अपन ने स्तोत्र प्रारंभ किया था देखा था, स्वयं कवि धनंजय ने भगवान ऋषभ देव का नाम इसमें लिखा है, ऋषभ देव भगवान की स्तुति कर रहे हैं, और ऋषभ देव आदि तीर्थंकर जिनके बारे में अपन लोग जानते हैं कि 6 महीने का तो उन्होंने उपवास पहला किया, और तीर्थंकर ऐसे होते हैं कि फिर एक बार जो ले लिया उससे नीचे तो जाते ही नहीं, तो 6-6 महीने में ही फिर आहार के लिए उठते हैं। 6 महीने के बाद में आहार के लिए उठे, लेकिन उस समय में भोग भूमि से कर्म भूमि का परिवर्तन हुआ था, तो किसी को दान की प्रथा ही नहीं मालूम थी। भोग भूमि में सबको जो आवश्यकता होती थी वो सब कल्प वृक्ष से प्राप्त हो जाती थी, तो देने का कहीं पर कोई अवसर ही प्राप्त नहीं होता था, सबको वहां से मिल जाता था, कोई तब करता ही नहीं था, तो कौन किसी को तपस्वी को देना कोई प्रथा होती जानते। फिर जब भगवान ने दीक्षा ली और 6 महीने के बाद में पूरा साल निकल गया, बल्कि साल से भी ज्यादा हो गया, क्योंकि चैत्र वदी नौमी जिना जन्मया श्री भगवान, और उसी दिन उन्होंने वैराग्य को प्राप्त किया था। जितने भी तीर्थंकर हुए हैं उसमें से 24 में से 20 से ज्यादा तीर्थंकर जन्म दिवस पर वैराग्य को प्राप्त हुए। तो जो नीलांजना का नृत्य चल रहा था वो भी उनके जन्मदिन के महोत्सव पर ही चल रहा था, तो उस समय में वहां पर एक ऐसी देवी को प्रस्तुत किया गया कि जिसकी आयु थोड़ी शेष रह गई थी, और नृत्य करते करते बीच में ही वो मरण को प्राप्त हो गई, और उसका
उसकी जगह पर एक दूसरी देवी ने वहां पर नृत्य को आगे प्रारंभ कर दिया। पूरी सभा तो नहीं समझ पाई, लेकिन वो दिव्य ज्ञान के धारी थे और वहां पर समझ गए कि यहां पर इसकी आयु क्षय को प्राप्त हो गई। और उन्होंने कहा, सोचा उस समय में कि एक दिन मेरी भी आयु क्षय को प्राप्त होगी, उसके पहले मुझे अपने आत्मा का कल्याण करना है। और वैराग्य भावनाओं को, 12 भावनाओं का उन्होंने चिंतन किया, दीक्षित हुए। फिर 6 महीने के बाद में उठते उठते भ्रमण करते करते सभी जगह गए। सब सोचते थे कि ये पुनः यहाँ पर आ रहे हैं, तो इनके लिए राज्य चाहिए तो राज्य दे दें। भोजन की विधि नहीं जानते थे तो सीधा भोजन लेकर के ही कई बार जो है लोग वहीं पर रास्ते में ही आने लगे। विधि का ज्ञान ना होने से चैत्रवदी नौमी से लेकर के वैशाख शुक्ल तीज तक, यानी 13 महीने 9 दिन निकल चुके थे। और उस दिन उनके कदम हस्तिनापुर की ओर पड़े, और हस्तिनापुर में वहां पर जो राजा श्रेयांश, राजा सोमप्रभ और युवराज श्रेयांश जहां पर थे, उनको उस दिन मनोहर प्रहर में सपना भी आया था। और उस सपने का उन्होंने जब फल पूछा तो बताया कि कोई विशिष्ट अतिथि आज आपके यहाँ पर आए। और जैसे ही उन्होंने सुना दूतों के माध्यम से कि आज ऋषभदेव स्वामी इस तरफ बढ़ रहे हैं, तो हर्ष के साथ में वो लोग उनकी अगवानी के लिए वहां पर खड़े हो गए। और जब निकट में उनके भगवान वहां पर आए और उनकी आभा मंडल में उनको पूर्व भव का जाते स्मरण हो गया कि पूर्व में 8 भव पूर्व में ये राजा वज्रजंग थे और मैं श्रीमती का जीव था। तब अपने ही छोटे 2 पुत्रों को जो युगल के रूप में आए थे उनका वहां पर प्रदान किया था, आहार दान किया था। ऐसे भावों के साथ में उनको पूरी दान विधि वहां पर समझ में आ गई और वो वहां पर पड़गहन करने लगे। परिक्रमा आदि देखकर के अपने गृह में ले गए। उच्चासन आदि के माध्यम से नवदा भक्ति संपूर्ण पूर्ण करने के बाद में उन्होंने उनके लिए इच्छुरस का दान दिया। अब एक प्रश्न जो है बहुत सारे लोगों के मन में रहता है कि उन्होंने इच्छुरस का ही दान क्यों दिया। आप लोगों के मन में नहीं रहता, क्या सोचते हो उसके बारे में? गला जो है सूख गया होगा इतने दिनों तक, इसलिए जो है तरल तरल पदार्थ का जो है आहार दे दिया, ऐसा ठंडा होता है कुछ। एकाध लेख हमने पढ़ा था तो उसमें उन्होंने लिखा कि वो जो सोमप्रभ जो थे या राजा जो युवराज श्रेयांश थे, बड़े आयुर्वेद के ज्ञाता थे कि इस समय में उनके इतने दिनों के उपवास हैं, इसलिए उनके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा, इसलिए उन्होंने वो चला। ऐसा वहां पर लोग अपने अपने तरह देते हैं है? नहीं, आदिनाथ भगवान का केला क्षीर रस से, बाकी सब में जो है नहीं, इनका इच्छु रस से, बाकी सब में क्षीर रस से, ऐसा तो एक अकेले इनमें ऐसा क्यों हुआ? इस पे अपने मन तो प्रश्न उठता है। तो ऐसा कई लोग कहते हैं कि उस समय में यही उपलब्ध हो, भाई और कोई का घर होता तो मन मान सकते थे कि भाई उनके यहाँ पर एक ही चीज हो, लेकिन राजाओं के यहाँ पर कोई सामग्री की कमी हो ये बात तो जो है ठीक नहीं बैठती। कम से कम जो सूखे मेवे हैं वो तो वहां पर उपलब्ध होंगे ही होंगे। नहीं नहीं, बोली वाली बात नहीं कह रहे हैं, यदि कह रहे हैं कि उस समय में उनको जो है केवल वो चलाया गया गन्ने का रस, तो उसमें कुछ लोग कहते हैं कि वही उपलब्ध होगा ऐसा करके, तो मैंने कहा सूखी चीजें तो उपलब्ध होंगी होंगी, उनको चलाने में कोई बाधा नहीं थी। अब वही कहो कि मुझे बहुत दिनों का उपवास था, सूखी सूखी चीजें कैसे लेते, तो ये एक अपना जो है तर्क चलता है। कोई किसी को है? क्या बोलते हैं? राजा
पुण्य 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 तो उनका था, बहुत पुण्य था, लेकिन कोई सब कर्म कर्म नहीं है, सब वही के दान आहार दान के लिए कोई कर्म होता हो। हाँ ये बात जरूर है कि जो क्षयोपशम जरूर उनका दानांतराय कर्म का क्षयोपशम तीव्र था, वो तो मान सकते, लेकिन उसमें कोई कर्म बांधा हो ऐसा नहीं। यहाँ पर जो है हम जिस प्रश्न के लिए कह रहे थे हम सोच रहे उसका उत्तर दे रहे हैं। हमने जो सामने बात रखी है उसमें ये हम चाहते हैं कि इक्षु का ही रस क्यों दिया गया, किसी को इसके बारे में कोई और कुछ क्यों नहीं चलाया गया, इक्षु रस ही क्यों चलाया गया, ये पूछ रहे हैं। देखो अब देखो इसमें इसमें चिंतन की बात है, कहाँ से चिंतन आया, किसी का विचार है या कहीं पे पढ़ा है, कुछ ध्यान नहीं है, लेकिन अपने ऐसा लगता है कि अपन इस पर इस प्रकार से विचार करें तो हम उसके उत्तर पर पहुंच सकते हैं। तो उसका उसका उत्तर ऐसा है कि एक महान जो साधु होते हैं उनकी आहार की चर्या होती है यथालब्ध, आप लोगों ने सुना है ना यथालब्ध। यथालब्ध का अर्थ होता है अभी भी कई कई साधु उस क्रिया उस चर्या को किसी किसी दिन करते हैं, कई साधुओं ने इसको किया भी है। तो उसमें आचार्य जी को बता करके एक दिन पहले कि हम कल यथालब्ध करेंगे, तो उस यथालब्ध में क्या होता है कि बस खड़े होना है आपको, वो खड़े होने के बाद में जो श्रावक दे बस वो लेना है, आपकी अंगुली को बंद नहीं करना। यदि वो पानी पानी देता जाए तो अपना पेट जब तक भर जाए तब तक पानी पानी लेकर, ये नहीं कि पानी हो गया मोड़ बंद करो दूसरी चीज लाओ, वो नहीं। यथा लब्ध का नाम ही वही है कि सामने वाला जो दे रहा है बस वही लेना। ये उत्कृष्ट साधुओं की चर्या में होता है, वो मना नहीं किया इसके बाद कोई चेंज करो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो हमारी दृष्टि से हमने कहीं पढ़ा हो जो सोचा हो चिंतन जैसा भी रहा हो कि वहां पर सबसे पहले जो है वो उसका बड़ा जो कहना चाहिए जग जैसा या कुछ ऐसी झाड़ी आदि लेकर के, वो गन्ने के रस की झाड़ी लेकर के सीधे पानी के पहले ही वो आ गए और उसके बाद में उन्होंने अंगुली में चिटालना चालू किया। लोग एक के बाद बदलते रहे हुए लेकिन उसके बाद में ले रहे हैं, तुमने सोचा चलाते जाओ चलाते जाओ चलाते जाओ और बस जब उनका पूर्ण हो गया तो वो बैठ गए, कोई झटका नहीं कुछ नहीं, वो तो जो चला रहा हो बस वो जो उन्होंने शुरुआत ही गन्ने के रस से की होगी, कुछ नहीं जरा की बाकी नहीं है। तो ये जो है यथालब्ध के माध्यम से अपन उसके जो है हल के ऊपर थोड़ा सा विचार कर सकते, जैसे आगम में कहीं पढ़ना नहीं आता है लेकिन कह रहे हैं जैसे भी कहीं से आया हो ये एक सॉल्यूशन उसका लगता है कि ये इसके माध्यम से ऐसा हो सकता है। हाँ तो उसमें कोई बात नहीं, समझदार तो वही होते हैं, जैसे ही उन्होंने कहा एक जग पानी हो गया बस अब लाओ बस, महाराज जी पानी पानी पीते रहोगे क्या, हम दूसरी चीज चलाएंगे, श्रावक ही करती है। कई महाराज हुआ है उन, एक महाराज जी ने सुनाया कि हम गए तो उन्होंने एक जग पानी पिलाया, उसके बाद में दूध का जग लेके आ गए, दो जग दूध पिलाया बस तीन जग में हम बैठ गए। तो ये उनकी बहुत थी कि भाई दो जग दूध चलाया, तो ऐसा होता है कई लगे समझदार होते हैं इस बात को जानते हैं, तो उन्होंने कहा एक जग पानी एक जग दूध उसके बाद में कुछ ग्रास चलाए और फिर हम बैठ गए। पानी के लिए भी इशारा नहीं कर सकते कि पानी इसके बाद पानी लेना, यथालब्ध में हम जूस चलाओगे वो लिया जाएगा। तो वो तो तीर्थंकर है सबसे उत्कृष्ट उनकी चर्या है, तो यथालब्ध के माध्यम से अपन इसके सॉल्यूशन पर विचार कर सकते हैं। ठीक है चलिए अब इसके बाद में अभ्यंतर परिग्रह और बाह्य परिग्रह से भगवान रहित होते हैं। तो अभ्यंतर परिग्रह में कितने प्रकार के होते हैं, 14 प्रकार के होते हैं, मिथ्या, तीन वेद, राग, फिर हंसी आदि जो 6-9 कषाय रहती हैं, 4 कषाय, इस प्रकार से ये 14 जो है अभ्यंतर परिग्रह होते हैं। और बाह्य परिग्रह में आप लोग सभी जानते हैं क्षेत्र वास्तु हिरण्य स्वर्ण धन धान्य दासी दास कुप्य भांड, इस प्रकार के 24 परिग्रह से भगवान रहित होते हैं। तो निष्किंचनम उनके पास में कुछ भी नहीं होता, लेकिन फिर भी सभी लोग बड़े बड़े धनाढ्य भी उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं, ऐसे भगवान का स्वरूप है, क्योंकि भगवान के पास में अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत सुख अनंत वीर अनंत शक्ति इस प्रकार की है कि इसके लिए भगवान की आराधना सभी लोग करते हैं। और जिनके पार को कोई ने नहीं पाया है लेकिन जिन्होंने सबको जान लिया है
क्योंकि केवल ज्ञान के माध्यम से ऐसे भगवान के जिनानाम पतिम शरणम गच्छ यानी उनकी शरण को मैं प्राप्त होता हूँ। तो यहाँ ऐसे भगवान की शरण में मैं जाता हूँ ऐसे भाव को इन्होंने इस 35वें काम में लिखा। अभी हमारे निष्किंचन का जो भाव है उसमें वास्तव में हमारा कुछ भी नहीं है, हम केवल मिथ्या मान्यता में जीते हैं कि ये पदार्थ हमारा है ये पदार्थ हमारा है। एक दिन बात आई थी उसमें कि सोना का ही जेवर होता है, हम लोग अपना जेवर कह देते हैं, किताब जो होती है वो कागज की होती है उसको हम अपना कह देते हैं, घर मिट्टी ईंटों का कंक्रीट का होता है उसको हम अपना कह देते हैं, टेबल कुर्सी आदि लकड़ी की होती है उसको भी हम अपना थोप देते हैं, ऐसे हर चीज़ में हम अपना अपना उस पर लगा देते हैं, वास्तव में हमारा कुछ भी नहीं है। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की समाधि चल रही थी और आचार्य जी उनकी संलेखना में लगे हुए थे, उन्होंने आचार्य पद त्याग कर दिया था, तो उन्हीं ज्ञान सागर जी या छपक ज्ञान सागर जी हो चुके थे और आचार्य जी उनकी संलेखना करवा रहे थे। तो आखिरी आखिरी समय में वो बिल्कुल शांत, तो आचार्य जी को ऐसा लगता था कहीं ऐसा तो नहीं कि नींद आ गई हो बेहोशी आ गई हो, तो आचार्य जी उनसे पूछते थे क्या चल रहा है, तो वो कहते थे एको में सास दो अप्पा नान दर्शन रखो शेषा में बाहिरे भावा सब्बे संजोग रखो। ऐसी जागृति थी उनकी कि मैं एक शाश्वत आत्मा हूँ और ज्ञान दर्शन लक्षण से युक्त हूँ और बाकी जितने भी सब संयोग हैं वो सब बाहरी भाव हैं, सबे संयोग लक्षणा सभी संयोग हैं, वास्तव में हमारा स्वरूप नहीं है। ऐसी निष्किंचन की भाव जो रहते हैं, भगवान ने तो सबको उपदेश दिया, भगवान ने तो पूर्णता निष्किंचन को प्राप्त की है, साथ साथ में श्रवण भी इन इस निष्किंचन भाव को प्राप्त होते हैं, ऐसे भगवान के शरण को मैं प्राप्त होता हूँ, ऐसे भाव को यहाँ पर 35वें काव्य में कवि महोदय ने रखा है। तो जो अगाध हैं गंभीर हैं मन के द्वारा भी जिनका चिंतन नहीं किया जा सकता, जो कुछ भी पास में नहीं रखते लेकिन फिर भी धनवानों के द्वारा भी प्रार्थित हैं और जिन्होंने विश्व के पार को अपने केवल ज्ञान के माध्यम से देख लिया है लेकिन जिनके पार को कोई नहीं जानता, ऐसे जिनानाम पति, जिनानाम पति तो जिनों की पति, तो जिनके लिए जिन संज्ञा जो है जिन्होंने जयती इति जिनह, जिन्होंने कुछ जीता है वो जिन कहलाते हैं। वैसे तो छठे सातवें गुण स्थान से भी संज्ञा आती है लेकिन कहीं कहीं पर इस प्रकार से भी परिभाषित करते हैं कि जिन्होंने सम्यक दर्शन भी प्राप्त कर लिया, उन्होंने भी अपने मोह पर आंशिक विजय प्राप्त की है इसलिए वो भी जिन हैं और उनके भी पति। तो चौथे गुण स्थान से लेकर के 14वें गुण स्थान तक के जितने भी जिन हैं उनके भी पति यानी तीर्थंकरों की शरण को मैं प्राप्त होता हूँ। तनीय मन से गंभीर जिन किंचन धनवान भी है याचक आया हूँ शरण जग पार जिनने देखा जिनके हैं गुण अपारा भव विष का है प्रणाशक प्रभु गुण की है ये माला स्तोत्र निराला। चलिए दोनों काव्यों का अशब्द स्पर्श मरूप गंधन त्वनीर संतद विषयाव बोधम सर्वस्य माता रमे मन्येर
जिनेन्द्र मस्मर मनुस्मरामि अगाध मन्निर मनसाप्य लंघयन् निष्किंचनं प्रार्थितमर्थवद्भिः विश्वस्य पारं तं दृष्टि पारं पतिं जनानां शरणं व्रजामि अक्षर पद मात्रा से दोषित वचन अगर मम हीन रहे जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करे प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाति कर दिन वाणी